तो कैसे ये जड़ी बूटी की पानी, जड़ी बूटी का पानी, दवाई वाला पानी करेगा आपके लीवर को बिल्कुल क्लीन। तो चलिए देखते हैं हमने ये जड़ी बूटी वाला पानी बनाना कैसे है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने 1 से 1.5 गिलास पानी ले लेना है, और इसमें इस पानी में हमने क्या क्या मिलाया है, जो ये उबल रहा है इसके अंदर कौन सी जड़ी बूटियाँ हमने डालनी है। चल पहले जानते हैं जब हमारा लीवर खराब होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जब हमारा लीवर खराब होना स्टार्ट होता है तो हम लोगों को भूख नहीं लगती है, हमारी बॉडी में वीकनेस बहुत आ जाती है, या फिर हमारा खाने का कुछ भी मन नहीं करता है, हम सारा दिन थका थका फील करते हैं, एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हमें रहने लग जाती है, और हमारे पेट में जलन रहती है, इन्फ्लामेशन की दिक्कत हमारी बॉडी में आ जाती है, लीवर जो है हमारा बिल्कुल खराब हो जाता है। तो ऐसा काढ़ा आज हम बनाने जा रहे हैं जिसको आप 21 दिन तक अगर लगातार पीते हैं तो उससे आपके लीवर जो है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं वो जड़ी बूटियाँ कौन सी हैं। वो जड़ी बूटी है, आपने क्या लेना है, आपने लेना है कचनार की छाल। कचनार की छाल आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, वो आपने इस काढ़े के अंदर डाल देनी है। कुछ एक आधी लकड़ी आपको लेनी है मुलहैटी की, मुलहैटी इसमें आपने डाल देनी है। और आपने लेनी है हरड़, हरड़ का ध्यान रखिए आपको कूट कर इसका छिलका लेना है, छिलका इसमें डाल देना है। फिर आपने लेना है भरड़, भरड़ का भी आपने छिलका यूज़ करना है। और कुछ डालनी है आपने एक चुटकी इसमें हल्दी। और ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आपने बॉईल करनी है, अच्छे से इसको बॉईल करनी होकर छोड़ दीजिए, इसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ दीजिए, ये अच्छे से उबल जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको ठंडा कर कर इस तरह से गिलास में छान लेना है। इस तरह से आप गिलास में इसको डाल लीजिए, और ये काढ़ा आपके क्या करेगा, ये काढ़ा कर देगा आपके लीवर को बिल्कुल क्लीन। जो आपको भूख नहीं लगनी लग रही है वो आपको लगना स्टार्ट हो जाएगी। आप 21 दिन तक नियमित रूप से इसका सेवन करके देखिए, आपका लीवर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा, और आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे।